हेलो गाइस, आपके अपने चैनल शेयर मार्केट टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे गाइस बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जितने भी आईपीओ हमारे सामने हैं, चार आईपीओ अभी करंट में जिनके ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। यहाँ पे गाइस लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कहीं से अफवाह आ रही है कि यार 100 रुपये चला गया कार ट्रेड, कहीं से अफवाह आ रही है कि भाई माइनस में लिस्ट हो जाएगा कार ट्रेड, या फिर अब तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। जनरली मैं हमेशा दोपहर को 12-1 बजे 2 बजे करीब ही डालता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम का अपडेट, बट अभी यहाँ पर रात को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:30-9 बजे करीब, ठीक है, ताकि आपको अपडेट दे सकूँ कि क्या है और कैसे यहाँ पर चल रहा है, क्या सच में क्रैश हुआ है, क्या यहाँ पर सच में ऐसी स्थिति बन रही है, क्या ऐसी सिचुएशन हमें सच में देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे जिसको नोवेगो मिला है, जिसको कार्ट्रेड मिला है, जिसको एप्टस मिला है और जिसको चैम्प्लास मिला है, उनको लिस्टिंग नहीं मिलने वाला है, घर से ही पैसे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव लिस्टिंग होगी। तो भाई इन सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पे आपको दूंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और साथ में बने रहना बिना स्किप किए हुए। तो गाइस अगर जो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे जेन्युइन अपडेट्स, चाहे वो आईपीओ रिलेटेड हो चाहे वो शेयर मार्केट रिलेटेड, हम आपके लिए जेन्युइन अपडेट्स लाते रहते हैं। पहले तो गाइस यहाँ पे बता दूँ चैम्प्लास सनमार आईपीओ का, मैंने इसको बोला था अवॉइड करने के लिए, लोगों ने पैसा लगाया, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि ये बुरा है। अवॉइड के लिए इसलिए बोला था, भाई हमारे पास चार आईपीओ हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड चूज़ करके दिया था, थर्ड और फोर्थ आपके हाथ में था, तो मैंने यहाँ पे चैम्प्लास को थर्ड नंबर पे रखा था। अगर जो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैंने आपको बोला था चैम्प्लास में आपको तभी लगाना है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। अगर जो पाँच के पैसे हैं आपके पास, पाँच लौट के, तो दो आपको एप्टस में और दो कार्ट्रेड में लगाने हैं, चैम्प्लास में एक लगाना है। अगर जब आपके पास 3, 2, 1 का भी पैसा है तो चैम्प्लास में नहीं जाना है। और यहाँ नोवेगो के लिए मैंने चाहे 10 है आपके पास तो भी मना कर दिया था। आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो, जो भी मैंने कंपेयर वाली वीडियो डाले हैं, दो वीडियो डाले थे मैंने कंपेयर के, देख सकते हैं, मैंने यही बोला था एग्जैक्टली। तो गाइस यहाँ पे जो सा ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है वो आ रहा है 15 से 20 रुपए, जबकि दिन में बताऊं आपको अभी शाम को 5 बजे तक जो अपडेट निकल के आ रही थी वो थी 28 से 31 रुपए की ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रही थी, जीएमपी इसका निकल के आ रहा था पर शेयर। तो यहाँ पे अभी 15 से 20 रुपए निकल के आ रहा है। अगर जो एक लॉट की बात करें कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भाई आपको एक लॉट में 540 रुपए, इसके 20 रुपए अपर प्राइस बैंड पे माने तो 540 रुपए आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस कार ट्रेड की बात कर लूँ अगर जो, तो देख सकते हैं इसका अनाउंसमेंट हो ही चुका है, आपको पता चल चुका, कल रात को हुआ था 8:30 बजे। अभी ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो निकल कर रहा है 110 से 130 निकल कर रहा है, ठीक है, अभी 110 120 तक भी गया था, फिर से सेटल डाउन होने के बाद 130 रुपए इसकी आखिरी डिमांड निकल के आई है जो हमें अपडेट मिली है और जो यहाँ पे अपडेटेड है। तो गाइस एक लॉट की बात करूँ अगर जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अर्निंग की, तो आपको 1170 रुपए देखने को मिल जाएगा। और अगर जो दिन में बताऊँ आपको कि ये कितना था, दिन में भाई ये था 160 से 180 रुपए। अब यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन आता है, सर 160 से 180 क्यों होता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं होता है कि सिर्फ 180 हो 170 हो। भाई ऐसा होता है, कोई खरीद रहा है 150 रुपए में, कोई खरीद रहा है 155 में, कोई खरीद रहा है 160 में, तो यहाँ पे सर्टन नहीं है ना यहाँ पे, तो उसको हम ग्रे मार्केट में बोलेंगे 150 से 160। तो यहाँ पे 160 से 180 के बीच में खरीदारी हो रही थी, अभी ये 110 130 के बीच में खरीदारी हो रही है, तो हमें 110 130 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बात कर लो नोवेगो की, तो भाई यहाँ तो बंटा डार हुआ पड़ा है, हिस्ट्री में अभी तक किसी का माइनस में ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला था, जीरो देखने को मिला था बट भाई माइनस में देखने को नहीं मिला था। देख सकते हैं जीरो हुआ साथ में माइनस दो हो गया अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही। इसका रीजन है सब्सक्रिप्शन कम होना, फाइनेंशियल अच्छे ना होना, बहुत बड़ा साइज होना, साथ में इसके 3 और आईपीओ का होना और सबके साइज बड़े होने। यहाँ पे चाहे चैम्प्लास की बात करें, एप्टोस की बात करें या फिर कार्ट्रेड की बात करें, सबका साइज बड़ा था, इसकी वजह से यहाँ भाई इसको झेलना तो था ही। अगर जो दिन की बात करूँ तो यहाँ पे आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज जो नए यहाँ पे देख रहे हैं उनको बता दूँ, दिन में जब उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो था 7 से 11 रुपए निकल के, तो भाई यहाँ पे -2 आ रहा है। तो एक बात तो श्योर हो गई कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए, कहीं भी ये जुगाड़ बिठा ले या कहीं से कोई इन्वेस्टर आ जाए बाई कर ले, तो लिस्टिंग तो भाई नीचे होने वाली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाद में शेयर भाग सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है, ऐसा होने वाला नहीं है। लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में ये सब चीज़ें डिस्कस करूंगा ही, भाई यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी हम हमेशा लेके आते हैं, बेस्ट होती है। अब यहाँ पे वो वीडियो ये डिसाइड नहीं करेगी लिस्टिंग कहाँ होगी, पर आपको बताती है लिस्टिंग कहाँ हो सकती है और यहाँ से यहाँ अगर जो लिस्टिंग होती तो आपको क्या करना है। अगर जो आपको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो पैसे कैसे बनाने हैं, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, या फिर आपको मिला है तो कितना सेल करना है, होल्ड करना है, या फिर यहाँ पे लॉस में बेच के और नीचे जाके बाई कर लेना है, ये सारी चीज़ हम लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी में बात करते हैं। तो
तो गाइस एप्टस की बात कर लूं यहां पे देख सकते हैं इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी दिन में अच्छा निकल के आ रहा था, 20 से 24 रुपए निकल के आ रहा था, और अभी देख सकते हैं जो डिमांड है घिरती हुई दिख रही है 15 से 20 रुपए निकल के आ रहा है, मतलब एकदम से क्रैक हो चुका है। आज इतना बुरा ग्रे मार्केट प्रीमियम भाई 2021 में तो नहीं देखा है, जितनी कम डिमांड का मैंने यहाँ पे बता दिया, इतनी डिमांड कम क्यों आ रही है, एक साथ चार आईपीओ, चारों के साइज बड़े होना, प्लस यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई है जितने भी शेयर्स हैं अभी करंट आईपीओ के उनकी बहुत, अभी इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो डाली थी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वाली, अगर जो आपने वो देखी है तो देखना, अदरवाइज स्टार्टिंग में ही मैंने बताया वो वीडियो जाके देखना, वहाँ पे मैंने बताया है कि जो लिस्टिंग हुई है इन 7-8-10 आईपीओ के रिसेंट में उनका फॉल होना, वो फॉल हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये रीज़न बहुत बड़ा है ग्रे मार्केट क्रैश होने का। और गाइस यहाँ पे आपको डरना नहीं है, जिनको नोवेको मिल गया है भाई उनको तो डरने की जरूरत नहीं है, अब जो भी होगा थोड़ा बहुत मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, नहीं के चांसेस 60%, थोड़ा बहुत मिलने के चांसेस, थोड़ा बहुत मतलब 100-200-500 मिलने के चांसेस यहाँ पे 40% है, या फिर इसको 30% कह सकते हैं, 70% नेगेटिव लिस्टिंग देने वाला है। पर यहाँ पे एप्टस की और कार्ट्रेड की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो नीचे देखने को नहीं मिलेगी, 80% चांसेस हैं ऊपर देखने को मिलेगी, 20% के चांस इसलिए नहीं ले सकता मैं क्योंकि भाई मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है वो तो भाई बुरी चल रही है, इस हिसाब से आपको अभी परेशान नहीं होना है, लिस्टिंग के पहले हम देख लेंगे। यहाँ पे एक और उड़ती हुई खबर आ रही है कि फ्राइडे को ही लिस्टिंग हो जाएगी कार्ट्रेड की, तो भाई वो न्यूज़ कंफर्म नहीं है, बस लोग अपने आप से बोले जा रहे हैं क्योंकि अलॉटमेंट जो है 17 को देना था 16 को दे दिया था कार्ट्रेड का, इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो भी सकता है यहाँ पे डर के मारे ये लोग लिस्टिंग जल्दी करवा लें, रीज़न है इसका जैसे कि आपने देखा था जोमेटो का, तो जोमेटो का भाई ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, पर कोई ऑफिशियल न्यूज़ फिलहाल तो नहीं है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मैं हमेशा, ये हमारे चैनल का स्क्रीनशॉट है, हमेशा जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, देख लीजिए दो घंटे पहले का ये था, थोड़ी देर पहले आया था मैंने, थोड़ा लेट अपडेट किया था, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कार्ट्रेड का 110-120 लो बना चुका था और एप्टस का 15-20 बना चुका था और बाकी सेम थे, ठीक है। बाद में गिरावट हुई है इन सब में, नोवेको का जो 7-11 था वो 0 में तब्दील हो गया और -2 हो गया, तो ये चीज़ें बाद में हुई है, तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अब तो आईपीओ मिल चुका है, जो होना है लिस्टिंग डे वाले दिन होना है, तो हम आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी लाएंगे और खुद हम चाहेंगे कि आपको लॉस ना हो, बस लिस्टिंग हमारे हाथ में नहीं है, ये मैं फिर से बोल दूँ, लिस्टिंग करवाना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पास है क्या आपको ढंग से सजेशन देना, कहाँ आपको निकलना है, कितने दिन होल्ड करना है कि आपको लॉस ना हो, आपको करना क्या है कि आपका प्रॉफिट बन जाए, अगर जो आपने 15,000 रुपये लगाए हैं ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रैक करने में अपना इतना टाइम खराब किया है प्लस यहाँ पे इतने दिन वेट किया है तो कुछ तो फायदा निकल ही जाए, और अगर जो नहीं निकलता है तो लॉस ना हो, 200-400 निकले पर निकले। तो गाइस यहाँ पे बस सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसके बाद कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है, जो भी पेंडिंग कमेंट आपके पड़े हुए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मैं उसको ASAP रिप्लाई दूंगा सारे कमेंट्स के। सो गाइस वीडियो करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गाइस स्टे हेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।